बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के विस्थापित पंडितों पर कहा कि उन्हें हर कीमत पर वहां बसाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पूरे देश में जनसंख्या रोकने के लिए एक कानून बनाया जाएगा जो सभी धर्मों पर लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में किसानों की हत्या पर सरकार पर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आत्महत्या के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और केंद्र सरकार पीड़ित किसानों की मदद करना चाहती है, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। इसी बीच साक्षी महाराज की जबान फिसल गई और यूपी के सीएम को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कह डाला। मैंने ये कहा था मोदी युग आ गया है, अब 4 बीवी 40 बच्चे भी नहीं चलेंगे, 5 बीवी 25 बच्चे भी नहीं चलेंगे। मैंने तो केवल ये कहा कानून बना क्या परेशानी है, काहे को 125 करोड़ आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या मुंह पाए खड़ी हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार साक्षी महाराज नहीं है। हम तो 4 भाइयों में से 3 भाई अनमेरिड है, हमने तो 1 बच्चा पैदा नहीं किया। ये बच्चा की लाइन लगा रहे लोग, उनका इलाज होना चाहिए, हमें इनाम तो नहीं मिला। अगर हमने कोई बात करी तो हमारे कपड़े मीडिया वाले और सब फाड़ डालेंगे, साक्षी ने 4 बच्चे की बात नहीं है। एक कानून बनना चाहिए इस देश में, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, बच्चा 1 हो 2 हो 3 हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानून इसमें सख्त सख्त बने ताकि जनसंख्या और ज्यादा ना बढ़े। 30 से 130 करोड़ हो गए, जिम्मेदार कौन होगा? अगर जिम्मेदार साक्षी महाराज है तो फांसी चढ़ा दो, हम चढ़ने के लिए तैयार है।